आज से शुरू कर रहे हैं हम नब्स। नब्स की फुल फॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बेसिस क्लाइंब। ये कॉम्प्लिकेटेड मॉडलिंग है, ये यूटेंसिल्स, कार्स, पाइपलाइंस बनाने के काम आएगी। कहां मिलेगी हमें? कर्व्स के अंदर। आपको क्या करना है, यहां मिलेगा ईपी कर्व। ईपी कर्व की फुल फॉर्म है एडिट पॉइंट। अगर आपको कोई भी चीज बनानी है तो बहुत स्मूथली बन जाएगी नब्स से, पर कैरेक्टर नहीं बनेंगे इतने स्मूथली। ईपी कर्व लो, ईपी कर्व से भी जो भी बनाओगे बहुत शार्प बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑन है वन लीनियर। आपको क्या करना है, ईपी कर्व में 3 क्यूबिक लेना है। देखो हर चीज़ स्मूथली बन रही है, और जो भी आप बना रहे हो राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट आता है, ये जहाँ जहाँ ड्रॉ करा है वहाँ पे ना पॉइंट आ गया, जैसे 2D सॉफ्टवेयर में आता है इलस्ट्रेटर में, तो यहाँ पे पॉइंट्स आ गए। अब मान लो हमें कोई मटका बनाना है तो कैसे बनाओगे? ईपी कर्व लिया, शेप लेनी पड़ेगी हमें मटके की। आधा बनाना है, आधा अपने आप बन जाएगा। कैसे? सरफेसेस के ऑप्शन को बाहर निकाल लेते हैं। रिवॉल्व है, अगर हमें 360 किसी को रोटेट करवाना है तो अभी हमने 2D बनाया, रिवॉल्व करने पे ये 3D बन जाएगा, पर ये ऐसे हुआ है, हमें चाहिए था ऐसे, तो जेड एक्सिस है। तो क्या करो, रिवॉल्व में ना आप एक्सिस भी चेंज करा करा के देख सकते हो। मान लो एक्स में देखना है, ये एक्स में ऐसा आएगा रिवॉल्व, कंट्रोल जेड, जेड में ऐसा आएगा। तो बन गया मटका 2 मिनट के अंदर। फिर बता रहा हूँ क्या किया मैंने, फ्रंट व्यू में गया मैं, परस्पेक्टिव व्यू में ड्रॉ मत करना नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ होगा। ईपी कब लिया 1, 3, 5। फर्क क्या होगा वन में? इन दोनों के बीच में कोई भी वर्टेक्स नहीं आएगा, इसको बोलते हैं स्पैनिंग, नहीं आएगा। देन 3 में क्या होगा, बीच में एक एक वर्टेक्स आएगा। कंट्रोल वर्टेक्स मोड में जाके आप देख सकते हो ये वर्टेक्स आ रहे हैं, हर किसी के बीच में 2-2 वर्टेक्स आ रहे हैं। देखो राइट क्लिक करके 4 सब ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, पहले है कंट्रोल वर्टेक्स, फिर है एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट मतलब जहां जहां आपने ड्रैग करा, जहां जहां आपने क्लिक करा वो एडिट पॉइंट है, और कर्व वर्टेक्स मीन्स जहां जहां आपने क्लिक किया उसके बीच में एक एक आया हुआ है। 3 क्यूबिक कैसे कहला रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट 2 हो गए और बीच में 1 दे दिया, 3 हो गए, तो 3 क्यूबिक। अगर मान लो मुझे चाहिए 5, तो जैसे 1, 2, 3 आ रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे बीच में 1 आ रहा है, बीच में 3 आएगा, समझ आया? तो 5 यूज भी नहीं होता, आपका यूज होगा ओनली 3। ईपी कर्व लिया, क्लिक करते हुए जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ ना टेढ़ा मेढ़ा, तो आप कंट्रोल वर्टेक्स में जाके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आर प्रेस करके, आर फॉर स्केल, सीधा कर सकते हो, सीधा एकदम। कंट्रोल वर्टेक्स से जैसे मर्जी मॉडिफाई करो। अब आप इसको रिवॉल्व करवा दो, रिवॉल्व की विंडो पे क्लिक करना ताकि इसकी सेटिंग खुल जाए। अगर डायरेक्ट यहां क्लिक करोगे तो उसकी सेटिंग नहीं खुलेगी, तो यहां विंडो पे राइट में स्क्वायर बना रहा है, उस पर क्लिक करना, वाई ले लो, और आपका मटका तैयार। रिवॉल्व क्या, देखो गो टू सरफेसेस, रिवॉल्व के स्क्वायर पे क्लिक करना है, और याद रखना है यहाँ पे मॉडलिंग मेन्यू होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे एनिमेशन कर दिया तो एनिमेशन के मेन्यू आएंगे, फिर
अगर आपको नब्स या पॉलीगन के मेन्यू चाहिए तो मॉडलिंग में जाना, आपको यहाँ पे सरफेसेस में मिल रहा है रिवॉल्व, ठीक है, सरफेसेस में रिवॉल्व। रिवॉल्व से आज हम बनाते हैं चेस। कैसे बनाओगे? हम नेट से चेस प्लेयर्स निकाल लेते हैं ताकि उन्हें ट्रेस कर सके। ठीक है, हमारे पास इमेज है। अब हमें ये माया में इमेज लानी पड़ेगी तभी तो हम ट्रेस करेंगे। तो याद रखना, पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं, फ्रंट में या राइट में या टॉप में, फ्रंट में करोगे ज़्यादा बेटर है। मुझे उस इमेज को इंपोर्ट कराना है। अब नोट करो हाउ टू इंपोर्ट इमेज इन व्यू पोर्ट ऑफ माया। हाउ टू इंपोर्ट इमेज इन व्यू पोर्ट ऑफ माया। Go to viewport menu। देखो ऊपर जो है वो माया के व्यू आई मेन्यू है, यहाँ पे ना viewport के लिए अलग से छोटे से मेन्यू दे रखे हैं। Go to viewport menu, view में जाना, then image plane, import image। इम्पोर्ट इमेज पे क्लिक करो, देन जो भी इमेज आपको लानी है उस इमेज को सेलेक्ट करो, ओपन। देखो आपकी इमेज आ गई। अब आप इजीली इसे ट्रेस कर सकते हो। कैसे? ईपी कर लिया। देखो क्लिक ना पास पास करना तब जाके अच्छा चलेगा, दूर दूर करोगे तो कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। मैं पास पास क्लिक कर रहा हूँ। आधे में क्लिक ऑफ हो गए, तो इस चीज का ध्यान रखना आधे में क्लिक ऑफ ना हो जाए, दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, ये बनाने के बाद आपको इस पर रिवॉल्व डाल देना है, इधर करके रिवॉल्व। पर देखो ये कैसा आ रहा है, क्योंकि इसका जो पिविट पॉइंट है ना वो सेंटर में नहीं है। जहां पिविट पॉइंट होगा वहीं से रिवॉल्व होगा। तो याद रखना इसका पिविट पॉइंट सेंटर में कर लेना, तो वहीं से वो घूमेगा रिवॉल्व। समझ आया? बन गया एक बारी में चेस प्लेयर। इसके बाद को ऊपर का प्लस बनाना है।
नहीं वो घुमा हुआ नहीं है ना, वो हार्ड है, सीधा है वो। देखो अगर आपको ये और पास करना है ना, तो यहाँ पे ना रिवॉल्व आ गया, आप उसके पिविट एक्स को कम ज्यादा कर सकते हो। ज्यादा कम हो गए। देखो इसको हमें गोल नहीं घुमाना है, इसको हमें क्या करना है, इसकी कॉपी ले लेना, कंट्रोल डी, दो कॉपियां फोर थिकनेस। अब दोनों को सेलेक्ट करके यहां पे ऑप्शन आता है लॉफ्ट, क्या आया लॉफ्ट से थिकनेस आ गई। मैंने क्या किया, एक प्लस बनाया, उसकी कॉपी ले ली, दोनों को सेलेक्ट करके यहां से कर दिया लॉफ्ट। और याद रखना ये बंद होना जरूरी है, ये बंद नहीं है अभी। दोनों को कर दिया लॉफ्ट। और इसका कैप बंद करने के लिए इस वाले प्लेन को सेलेक्ट करके प्लानर डाल दो, और इस वाले प्लेन को सेलेक्ट करके प्लानर डाल दो। प्लानर क्या करेगा, इसी शेप में सरफेस बना देगा ऑटोमेटिक। देखो तीन कमांड यूज की मैंने, एक रिवॉल्व, फिर दोनों के बीच में लॉफ्ट, फिर यहां पे प्लानर, तो प्लेयर बन गया। फिर आप क्या करना, इसी प्लेयर को ग्रुप करा देना, क्योंकि एक प्लेयर की दो कॉपियां होती हैं, एक उस टीम में, एक उस टीम में होगी। देखो एक दिक्कत आ रही है, खराब हो रहा है ना, अपने प्लेयर को बनाने के बाद एडिट में जाके यहाँ पे आता है डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। जैसे फोटोशॉप में हिस्ट्री होती है ना, वैसे यहाँ पे भी होती है। हिस्ट्री हमेशा क्लीन कर लेनी चाहिए ताकि आपका व्यूपोर्ट हैवी ना हो, और दूसरा जो दिक्कतें आ रही है वो ना आए, तो हिस्ट्री जरूर क्लीन कर लेना। अब देखो आप डायरेक्ट जा रहे हैं, कंट्रोल डी कॉपी उस टीम के लिए। तो ऐसे आपको टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, ये प्लेयर्स होंगे सिक्स, इनकी एक पांच बनाना है और कॉपी मार देनी है। घोड़ा नहीं बन पाएगा आपसे, घोड़ा छोड़ देना, और घोड़ा बनाना है तो घोड़े को ट्रेस करके लॉफ्ट करा देना थिकनेस के लिए, और प्लानर डाल देना इस टेक्निक से। लकड़ी वाला घोड़ा होता है, ऐसा होता है सिंपल सीधा, घोड़ा छोड़ देना बाकी सब बना लेना, समझ आया। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, नब्स थोड़ा आपके लिए नया करने में दिक्कत ना आए, तो इसलिए इतना ही टॉपिक मैं आपका कवर करा रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे।